जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनिल खान लूनी, लूनी ग्रीन चैनल के साथ। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक फार्म पे, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस फार्म इज़ के दे हैव कॉट बेफेलोज, दे हैव डक्स एंड दे हैव काउज, चिकन रखे हुए हैं, बट मोर स्पेसिफिकली दे हैव कैप्ट रैबिट्स। जी हाँ, रैबिट्स। एंड इन पाकिस्तान यू विल फाइंड वेरियस मतलब फार्म्स होंगे हर किस्म के, बट दे आर वेरी लिमिटेड फार्म जो कि रैबिट्स की जो है ना फार्मिंग करते हैं। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द पर्सन हु हैज कैप्ट दिस रैबिट्स, उनका हम इंटरव्यू लेंगे। बट बिफोर वी गो टू सी द रैबिट्स, वी जस्ट गोइंग टू हैव अ क्विक राउंड ऑफ द फार्म एंड देन वी विल गो फॉर द रैबिट्स। थैंक यू। जी मेरे साथ अली उस्मान, जिन्होंने सेटअप किया हुआ है रैबिट्स का। तो पहले हम इनसे ज़रा इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, देन वी विल गो ऑन एंड सी द फार्म इटसेल्फ। जी उस्मान, आप बताइए, आप कितने अरसे से इस बिज़नेस में है, क्या इस बिज़नेस का स्कोप है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या इसकी मार्केट है, जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन बिफोर वी गो एंड सी द रैबिट्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली उस्मान है और मैं तकरीबन 6 साल से रैबिट फार्मिंग कर रहा हूँ। पहले शौकिया तौर पर स्टार्ट किया था 2-4 पैरों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इंपोर्ट की तरफ हम गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ब्रीड्स थी नहीं अवेलेबल, तो हमने इंडोनेशिया से और यूरोप वगैरह से रैबिट्स मंगवाए, इधर इधर उनकी ब्रीडिंग करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तकरीबन 6 साल हो गए इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, और ज़्यादातर अभी एज ए फैंसी के तौर पर लोग ले रहे हैं रखने के लिए, और सेकेंडली इसका जो है ना मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मीट के लिए लोग अभी फार्म बना रहे हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर इंशाल्लाह तकरीबन 400-500 रैबिट एक एक फार्म में है, जो कि इन फ्यूचर मीट की इंडस्ट्री को हमने टारगेट किया हुआ है। तो ये जो ब्रॉयलर के बदले हम चाह रहे हैं कि लोग जो है ना ये रैबिट मीट की तरफ आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्थी भी है और इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम होता है, और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें बताइए कि इसका जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो किस तरह का है? मोर्टेलिटी रेशो इसमें ऐसे कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, इनकी प्रोडक्शन सबसे हाई है अगर आप देखें ना दूसरे कोई भी एनिमल्स के मुताबिक, तो उनकी जो है इनकी प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी, इस रैबिट के बारे में बताइएगा, इस ब्रीड का नाम क्या है, कहाँ से आपने मंगवाया है, क्या इसकी प्राइस है एक्सेट्रा। अच्छा, ये इसको न्यूजीलैंड वाइट रैबिट कहते हैं, और ये तकरीबन इसका जो 4 kg तक ये वेट कर जाता है, 4-4.5 तक। ये हमने इंडोनेशिया से इंपोर्ट कराया था बेसिकली। तो दुनिया में जो मीट पर्पस पे अभी रैबिट पे जो वर्किंग चल रही है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यही है, न्यूजीलैंड वाइट है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो जल्दी है बेसिकली। इनका 2 महीने का बच्चा ऑलमोस्ट आपका 1500 ग्राम 1600 ग्राम का हो जाता है 2 महीने के अंदर अंदर, अच्छी खुराक अगर आप दो तो। उस लिहाज से ये पूरे दुनिया के अंदर गोश्त के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है मीट के हिसाब से, वो ये ब्रीड इस्तेमाल कर रही है। उसकी प्राइस क्या है जो आपने इंपोर्ट की है? जब हमने इंपोर्ट की थी उस टाइम पे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी हमें, ये ऑलमोस्ट उस टाइम पे 40-50,000 का एक पड़ा था, लेकिन जब यहाँ पे ला के इसकी ब्रीडिंग करवाई है, तो अभी इसकी तकरीबन जो है ब्रीडर पेयर उसकी कीमत जा रही है ऑलमोस्ट 25,000 रुपये का पेयर है, मेल फीमेल ब्रीडर बड़ी, और जो बच्चों का रेट है वो तकरीबन 4,000 से लेके 5,000 पर पेयर। अच्छा, तो ये न्यूजीलैंड वाइट है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्रीड आ रही है इसकी, ये आप देख सकते हैं बच्चे हैं और ये भी बच्चे हैं इनके, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये ब्रीड कर रहे हैं और बच्चे इनके आ रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं इसी तरह, ये भी हमारे पास न्यूजीलैंड वाइट की फीमेल है, इसके साथ भी बच्चे हैं, और अब हम आ जाते हैं सेकंड ब्रीड की तरफ। ये जो है ना इसको कहते हैं हॉट हॉट, बेसिकली ये USA से इम्पोर्ट हुए थे, वहाँ की ब्रीड है, और ये एज ए फैंसी खूबसूरती के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल छोटा सा रैबिट है, आप अगर देखें तो छोटा सा ये रैबिट है,
और ये इसकी आंखों के पास जिस तरह वो हमारे नुकरे या कजले टाइप जी 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 बकरे होते हैं उसकी तरह ये खूबसूरत है। तो ये हॉट हॉट ब्रीड हो गई जी हमारी। इसी तरह इसकी भी हमारे पास ब्रीड आ रही है, बच्चे भी हैं। ये मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ इसका, ये बच्चा बैठा हुआ है जी इसका एक। ये इनकी ब्रीड भी हमारे पास आ रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह, तो ये हमारे पास लॉब्स हैं। ये हॉलैंड लॉब है जी, हॉलैंड लॉब इसको कहते हैं। और ये भी एज ए फैंसी के तौर पे जो है ना इस्तेमाल होती है ब्रीड लोग खूबसूरती के लिए एज ए पेट। ये बहुत ज़्यादा पेट है, ये तो बाहर के मुल्कों में इसको एज ए घर में जिस तरह हम बिल्लियाँ वगैरह पालते हैं इसको भी उसी तरह पाला जाता है, स्पेशली ये ब्रीड को हॉलैंड लॉब्स को। तो इसमें ये कलर में है और ये वाइट में है, वाइट और रेड आइज होते हैं इसके। ठीक है, इसी तरह अब ये एक और ब्रीड है हमारे पास, इसे कहते हैं कैलिफोर्नियन। ये भी सेम टू सेम न्यूजीलैंड वाइट की तरह है, इसको भी एज ए मीट ब्रीड इस्तेमाल हो रही है। और ये भी 4 4 kg 4.5 kg यूजुअल चले सब्जी जाते जी। ये जो नीचे है ये हाँ, वाला दिस ये ज्वाइंट अंगूरा इसको कहते हैं, ये मैं भी दिखा इज देता एक्चुअली हूँ। क्वाइट ज्वाइंट। हाँ अच्छा, ये एक ब्रीड है हमारे पास ज्वाइंट अंगूरा की, इसको ज्वाइंट अंगूरा कहते हैं। ये भी साइज में बड़ा होता है और इसके जिस्म पे फर होती है। ठीक है, तो ये भी तकरीबन 3 3 kg 4 kg का ये रैबिट है। अच्छा जी, ये इंग्लिश अंगूरा है, शो क्वालिटी ब्रीड है। ये भी इंडोनेशिया की इंपोर्ट है। ये आप देखें, ये भी माशाल्लाह बहुत जाइंट साइज में है और इसके ऊपर फर होती है। ये इंग्लिश अंगूरा है। और एक ये है हमारे पास, इसको फ्लेमिश कहते हैं। ये फ्लेमिश जाइंट है, बेसिकली ये अभी अडल्ट है, वो ब्रीडर नहीं हुआ, ये तकरीबन 4 5 माह का बच्चा है। ये भी ऑलमोस्ट 6 kg इसका वेट हो जाता है जब ये बड़ा ब्रीडर बन जाता है तब। ये क्या आप इनको देते हैं फीड ये हम लूसन दे रहे हैं इनको फीड में ना, ये हमने अपनी लूसन लगाई हुई है। तो बेसिकली ये हाई प्रोटीन चारा है, तो ये हम अपनी हमने लगाई हुई है इधर, काश्त की हुई है, तो यही हम इनको दे रहे हैं खाने में। इनको थोड़ा डालो यार, ये कम बच्चे हैं ना साथ, जरा ज्यादा डालो, तंग होगी ये आप अंदर। जानते हैं कि जैसे इनकी भी आवाज़ आ रही हो, यहाँ पर मैं देखा हुआ है तो मतलब इतना होता है कि वो शेयर भी उसके बाद निकाल में है। जी आई होप यू एंजॉयड द शो। आपको काफ़ी हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और जिस तरह अभी उनसे बात हुई थी, इज़ अ ह्यूज स्कोप इन पाकिस्तान, इज़ अ ह्यूज डिमांड, एक्सपोर्ट तो आगे की बात है, पाकिस्तान में भी अच्छी खासी जो है वो रैबिट मीट की डिमांड है। देर सर्टन रेस्टोरेंट्स जहाँ पर जो है रैबिट मीट की डिमांड है, एंड आई थिंक इट्स मच बेटर देन हैविंग अ चिकन। तो इस पे जो है आई होप यू एंजॉय द शो। जरा पीछे आप देख सकते हैं कि बफेलो जो थी इनकी फार्म से बाहर आ चुकी हैं और उनको फीडिंग टाइम इनका स्टार्ट हो गया है। सो आई होप यू हैड फन। सब्सक्राइब टू माई चैनल, टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।